वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10th बताऊंगी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, जो आपकी शर्मा श्याम मंगल कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है। आपको इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके आप सारे एक एक क्वेश्चन देख सकते हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर EFM में भी है, तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 40 मार्क्स दिलवा के जाएगा एक साथ, तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ABC लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड फॉलो EOQ पॉलिसी। EOQ पॉलिसी फॉलो करनी है, और आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको यूनिट प्राइस दे दी 200 रुपीज़, आपको ऑर्डर कॉस्ट दे दी, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़ है, कैरिंग कॉस्ट दे दी आपको एक साल की कितनी 20 रुपीज़, टोटल कॉस्ट आपको दे दी 4000 रुपीज़। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको EOQ फाइंड करना है एंड एनुअल यूज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो फाइंड आउट द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको फाइंड करनी है, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट, और क्या कॉस्ट होगी मेंटेनिंग इन्वेंट्री को मेंटेन करने की, क्या कॉस्ट होगी, ये सब कुछ अपन करेंगे। तो आपको बता दूं, ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं कि ये फॉर्मूले यूज में आएंगे। अगर आपने फॉर्मूले नहीं पता इस चैप्टर के, तो आपको सेकंड नंबर की मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की सेकंड नंबर की आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। तो अपन जल्दी से कर लेते हैं EOQ फाइंड करने के लिए। अब EOQ का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 2UO/C। अब ये क्वेश्चन है, इधर आंसर कर रही हूँ मैं। EOQ का फॉर्मूला होता है 2UO/C। आप देखो 2 है, U क्या होता है, U होता है आपका यूजेज या डिमांड या रिक्वायरमेंट। जहाँ पे डिमांड लिखा हुआ आ जाए, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ आ जाए, यूजेज लिखा हुआ आ जाए, तब आपको U की जगह रखना है। U क्या है आपका, आपका U गिवन नहीं है, इसमें आपको U गिवन नहीं है। अब देखो U कैसे फाइंड करेंगे, ये भी अभी मैं बताऊंगी। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आपकी 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ लिख देती हूँ। कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, कैरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज़, ठीक है। अब ये आपके पास EOQ भी नहीं है और आपके पास U भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले U फाइंड करना पड़ेगा। कि U फाइंड कैसे करते हैं, U फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला है 2UOC, ठीक है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको गिवन है, कितनी गिवन है आपको 4000 रुपीज़ गिवन है। ये टोटल कॉस्ट गिवन है ना, ये क्या है आपके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, तो इसकी जगह नीचे लिख देंगे 4000 रुपीज़ इज इक्वल टू 2U आपको पता नहीं है इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 100 रुपीज़ है, और कैरिंग कॉस्ट आपकी 20 रुपीज़ है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 4000 इंटू U, और आपका रूट आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 4000 रुपीज़। अब देखो जब भी आपको पता होगा रूट हटा, जब रूट हटता है तो पास वाले में क्या हो चला जाता है, स्क्वायर चला जाता है, तो 4000 रुपीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ रूट हट जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ ओनली 4000U बचेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, 4000 मल्टीप्लाई 4000 तो क्या जाएगा 1,01,02,03,04,05,06, ये आ गया आपका 1,60,000 रुपीज़। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4000 रुपीज़ से, इजिकल टू U। 4000 यहाँ कैसे आया, 4000 आपका इसको इसका स्क्वायर किया तो 1,60,000 आ गया, और जो 4000 रुपीज़ है वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4000 रुपीज़ आपका आ जाएगा 4000 यूनिट आ जाएगा। मतलब आपकी डिमांड क्या निकली, आपकी डिमांड आ गई 4000 रुपीज़। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, 2 × 4000 रुपीज़ × 100/20 का रूट, तो क्या जाएगा आपका, इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, 2 × 4000 × 100
डिवाइडेड बाय 20 का रूट 200, 200 क्या यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी EOQ, EOQ क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला डिमांड अपन EOQ इनटू ऑर्डर कॉस्ट। डिमांड अपन ने कैलकुलेट कर ली, कितनी है डिमांड 4000 रुपीज डिवाइडेड बाय EOQ। EOQ क्या अभी फाइंड किया, क्या आया था अपने EOQ 200 यूनिट आया था, तो 200 लिखेंगे यहाँ इनटू ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट इनटू ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है आपकी, ऑर्डर कॉस्ट है आपकी 100 रुपीज, तो 100 रुपीज यहाँ लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 100, तो आ जाएगा 2000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, 2000 यूनिट। तो आपको बस ये कैलकुलेट करना था, EOQ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो आप, EOQ अपन ने फाइंड कर लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपन ने फाइंड कर लिया, अब आपका काम है कि आपको कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, बस आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ बोल रही हूँ, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करके आप उसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी सही है या गलत है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल प्लीज़। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फीफो बताऊंगी कि आपको फीफो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में बहुत बता रहे कि आपको फीफो वाली वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं फीफो की वीडियो लाऊंगी, अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आपका कोर्स भी कम्प्लीट हो जाए और मेरा भी प्रॉफिट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड बाय।